हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको ये आप देख पा रहे हैं, ये जैसे कि ई रिक्शा होता है हमारा, ट्रैक्टर वगैरह और ऑटो में इसको लगाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मिनी एम्पलीफायर है जो कि एक 4440 बोर्ड है इसमें, जो कि मैं आपको दिखा दूँ। इसमें सिंगल आईसी है। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, इसमें सिंगल 4440 है, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारे पास डेड आया था और इसमें हमारा जो बीटी कार्ड है, ब्लूटूथ कार्ड, इसमें हमारा लाइट नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये दो पिन का, दोस्तों इसमें दो पिन है, आपको दो पिन देखने को मिल रहे होंगे। तो दोस्तों, ये हमारा D313 ट्रांजिस्टर है जो कि ब्लैक एंड वाइट टीवी में पहले लगता था। तो इसके द्वारा दोस्तों हमने इसको, इसके बीटी ब्लूटूथ कार्ड को 5 वोल्ट हमने बनाकर दिए हैं। और दोस्तों, यहाँ पर पहले 78.5 लगा हुआ था, पर 78.5 हमारे पास उपलब्ध न होने के कारण हमने ये D313 ट्रांजिस्टर से 5 वोल्ट हमने सप्लाई बनाकर इसको दिया है। तो दोस्तों, हमने ये ओके कर दिया है। और दोस्तों, रही बात आपको मैं बता देता हूँ, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, तो दो पिन दोस्तों इसलिए हैं कि इसकी बीच की पिन है वो टूट चुकी है, जो कि हमारा कलेक्टर होता है। तो दोस्तों, ये हमारी पीछे की, ये आपको हीट शीट कसने वाली जगह पर दिख रही है, ये भी हमारा कलेक्टर्स की बीच की पिन से ही जुड़ा होता है। तो दोस्तों, यहाँ से हमने जम्पर लेके इसके कलेक्टर को सप्लाई 12 वोल्ट दे दिए हैं। और दोस्तों, हमने इसको 5 वोल्ट ऐसे बनाए हैं, आपको दिखा दें कि इसके बेस से कलेक्टर पर हमने बनके की रेजिस्टेंस लगाई है। और दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके बेस से कलेक्टर को हमने बनके की रेजिस्टेंस लगाई है और बेस पे ही दोस्तों हमने ये 5 वोल्ट का जीनर ग्राउंड कर दिया है और ये एमीमीटर पर हमारे 5 वोल्ट आउट हो रहे हैं। तो दोस्तों, हमने आपको दिखाया, और दोस्तों हम आपको मीटर से भी दिखा देते हैं एक बार कि हमारे 5 वोल्ट आउट हो रहे हैं या नहीं। तो चलिए, मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको दिखाया था, इसके ब्लूटूथ में आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें लाइट आ चुका है। और हम आपको एक घंटे वाली मीटर में आपको 5 वोल्ट चेक करा देते हैं। जैसे कि दोस्तों, हमारा, हम आपको दिखा दें, यहाँ पर हमारा मीटर है। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे 5 वोल्ट आउट हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी 5 वोल्ट, जैसे कि आपके पास 5 वोल्ट और 0.5 रेगुलेटर आईसी नहीं होती है, तो आपके पास ये ट्रांजिस्टर है, तो आप इस तरह 5 वोल्ट इसको बनाकर आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको दिखा दिया, और मैं इसको थोड़ा आपको साउंड भी दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं इसका वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, आप देख पा रहे हो। तो ये हमारा एफएम की ससराहट आ रही है, जो कि हमारा ये ओके हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।